हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल, टू ऑल माय व्यूअर्स एंड टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. आई एम अविनाश एंड आई एम हियर विद द एमसीक्यू सीरीज 2. वन क्वेश्चन विच हैज ऑफन बीन आस्क्ड, बी इट जुडिशियल सर्विसेस, एपीओ, नेट जीआरएफ लॉ, क्लैट, यूजीपीजी, वेयर एवर यू गो In law field, you'll always get this question. The meaning of caveat, caveat emptor and caveat venditor. Caveat emptor क्या होता है और caveat venditor क्या होता है? सबसे पहले दोनों को तोड़ करके समझना है. Caveat emptor में caveat को अलग कर दो और caveat venditor में caveat को अलग कर दो. Caveat का मतलब है warning. वार्निंग, और एम्प्टर का मतलब है बायर, बीवेयर. तो जो बीवेयर उधर वार्निंग है कैवियट के लिए और एम्प्टर के लिए बायर, और इधर कैवियट फिर से वार्निंग हो गया और वेंडिटर है सेलर. तो कैवियट एम्प्टर का पूरा मीनिंग हमारा निकल करके आता है लेट द बायर बीवेयर, और कैवियट वेंडिटर का लेट द सेलर बीवेयर. तो सबसे पहले हम लोग लेट द बायर बीवेयर पे आएंगे कि लेट द बायर बीवेयर का मतलब क्या होता है, राइट? अभी मान लो कि कोई भी आदमी दुकान से कुछ सामान खरीदने जा रहा है, तो उसकी भी जिम्मेवारी है कि वो जो खरीद रहा है वो सही खरीद रहा है या गलत खरीद रहा है. He cannot shift all the liability upon the shoulder of the seller only. उसकी खुद की भी जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी को भी उसे समझना होगा. इसी के कारण से आप देखते हो सरकार बहुत बार विज्ञापन चलाती है that जागो ग्राहक जागो, हॉलमार्क देखने के लिए बताती है आपको, मतलब कि कोई दवाई ले रहे हो तो उसको देखो कि एक्सपायरी डेट है या नहीं है. तो बायर को भी मतलब कि अपने तरफ से अलर्ट रहना है. बायर सिर्फ ये नहीं सोच सकता कि सेलर की ही सारी जिम्मेवारी है, हमें भी अलर्ट रहना भाई कि आप मुझे सही दे रहे हो या गलत दे रहे हो, है ना? अब इसके बाद है कैवियट वेंडिटर. कैवियट वेंडिटर में कहते हैं कि लेट द सेलर बीवेयर. सेलर मुझे कुछ दे रहा है तो सेलर को जानकारी होनी चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट मुझे दे रहा है दैट प्रोडक्ट इज गुड एनफ. वो प्रोडक्ट एक लेजिटिमेट प्रोडक्ट है, वो सही प्रोडक्ट है, उसमें कहीं कोई खामियां नहीं है. ये सेलर की जिम्मेवारी है. बात समझ रहे हैं आप? जहां पर अभी मान लो एक मैं एग्जांपल देता हूं इसमें कि मान लो एक कैन है, आपने थम्सअप का एक कैन लिया, अब उस वो कैन ओपेक है, अपारदर्शक है, उसके अंदर कुछ मिला हुआ है, कंटामिनेटेड है कुछ, तो इसके लिए सेलर लायबल नहीं होगा क्योंकि सेलर कैन नॉट सी अक्रॉस द कैन. उसको दिखाई नहीं दे रहा अंदर में क्या है और उसको चेक करके वो दे भी नहीं सकता क्योंकि दैट इज सील पैक्ड. मैन्युफैक्चरर विल बी हेल्ड टू बी लायबल. बट अदर देन दैट, जहां जो विजिबिलिटी है, जो उसके विजिबल रडार में है, उसके लिए सेलर विल बी हेल्ड टू बी लायबल. और जहां पर सेलर मैन्युफैक्चरर वाला आ जाएगा तो वहां पर सेलर की जगह पर मैन्युफैक्चरर वाली बात आ जाएगी. जहां पर सेलर नहीं देख सकता है और मैन्युफैक्चरर की पूरी लायबिलिटी एसर्टेन होगी वैसे केसेस में. एक लॉ ऑफ टॉर्ट्स में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है नेग्लिजेंस में, डंगू वर्सेस स्टीवेंसन का, जिसको कि हम लोग किसी और वीडियो में आपको बताएंगे. डंगू वर्सेस स्टीवेंसन का केस है, उसमें भी इसी पर बात थी, सेलर की लायबिलिटी, जो खरीद रहा है उसकी लायबिलिटी, खरीदने वाले की अलर्टनेस क्या थी, बेचने वाले की अलर्टनेस क्या थी, मैन्युफैक्चरर की लायबिलिटी क्या थी. तो इसमें कोर्ट का बड़ा ही प्यारा सा जजमेंट है, बहुत ही सूदिंग जजमेंट है, उसको मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ किसी और वीडियो में, राइट? Caveat emptor or caveat venditor have been asked several times
एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू डिस्कस विद यू ऑल दिस टॉपिक सो दैट इट कुड बी ऑफ योर हेल्प इन योर अपकमिंग जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. स्टे ट्यून्ड टू आवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू एवरीवन. जय हिंद.